गाइस वेलकम बैक टू चैनल माइंड भूमिका। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ होममेड ग्लू, बिकॉज इन दिस वेरी टफ टाइम वी कांट गो आउटसाइड, इफ वी गो इवन सो वी कांट फाइंड एनी स्टेशनरी शॉप ओपन एंड दैट इज नॉट इवन पॉकेट फ्रेंडली टू अस। सो दिस इज अ वेरी इजी वे दैट यू कैन मेक योर होममेड ग्लू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक दैट यू कैन मेक एंड आई विल टेल यू टू सब्स्टिट्यूट इन दैट। You can make like this very amazing glitter glue, clear glue or any way ever. So let's see that what's the recipe. So first thing, in which container you will make, you should take that you will put on stove. I am taking this that we can put on stove even. So let's see then. So guys, first thing is 1 cup of flour, wheat flour or any flour or maida. Anything you can use, flour ka substitute maida hai, maida ka substitute flour hai. तो जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर लो। ये वाला ग्लू मैंने मैदा से बनाया था, ये भी मस्त बनता है, फ्लोर वाला भी अमेजिंग बनता है। फिर हमें चाहिए होगी हाफ से थोड़ा ज़्यादा शुगर। अगर आपने इतना फ्लोर लिया है तो आपको इतना शुगर लेना होगा, इतना। फिर देन ऐड द शुगर इन इट। नाउ टेक 2 cups ऑफ वाटर। बिफोर टेकिंग वाटर यू शुड टेक 1 teaspoon और 1 tablespoon ऑफ विनेगर एज प्रिजर्वेटिव और देयर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ विनेगर लेमन जूस। इट विल कीप योर ग्लू प्रिजर्वेटिव। सो आई एम एडिंग 1 tablespoon ऑफ विनेगर इन इट और लेमन जूस। नाउ एड 1 cup ऑफ वाटर। फर्स्ट वील एड 1 cup देन 2 cups। नाउ एड द वाटर स्लोली एज देयर शुड बी नो लम्प्स इन दैम। Mix it well as all ingredients are cooperative and available in your kitchen. Just mix well. And then add the rest of the 1/2 cup and then full. So guys, water jo main aapko prefer karungi too zyada ho jayega to 1.5 cup will be great aur aapko aise liquidy pani jaisi consistency mil jani chahiye. Fir ye mast ho jayega. Aap kam kar sakte ho water, it's your wish. बट मैं तो यही लिया है ताकि ये बहुत ही अच्छा बनता है। फिर इसे मिक्स करो, फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। आप शुगर अपने मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्टिकीनेस के ऊपर। आप थोड़ी और डाल सकते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा स्टिकी हो जाए। सो अब गाइस इसे हम 3 to 4-5 minutes के लिए हीट करेंगे जब तक ये थिक सा नहीं हो जाए। गाइस कीप दिस इन माइंड दैट आप इसे कंटिन्यूस स्टर करें ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। So guys, after 2 minutes it will start thickening, but then you need to stir it more because guys ये कुछ ऐसा थिकी सा हो जाएगा और इसके अंदर लम्ब्स बनने लगेंगे। तो लम्ब्स ना बने तो आप इसे कंटिन्यूस स्टर करें और जब आपको लगे कि फेविकॉल की कंसिस्टेंसी आ गई है जब अपनी फ्लेम को बंद कर दें, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगी जब ये हो जाएगा। तो गाइस आपको ये भी ऐसा लग रहा होगा और ये ऐसा ही है, तो ये कुछ ऐसे थिकी सी आ जाए ना जब कंसिस्टेंसी, जब अपने फ्लेम को ऑफ कर दो। तो ये 3 minutes लेगा बस बनने में और देखो आपका कितना अच्छा ग्लू रेडी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा डेमो। अगर आपको कहीं कलर्ड या ग्लिटर ग्लू चाहिए तो एक कंटेनर में इसे सेपरेट कर लो। जितना आपका कंटेनर है उतना सेपरेट कर लो कलर्ड बनाने के लिए, जैसा कि मैं काउंट नहीं करा, थोड़ा सा लिया मैंने 1/2 कटोरी कुछ, जिससे मैं कलर्ड और ग्लिटर ग्लू बनाऊंगी। तो थोड़ा अगर आप कंटेनर में डाल रहे हो सीधा नॉर्मल प्लेन ग्लू तो प्लीज़ उसे 5 मिनट्स के लिए कूल होने देना, वरना आपकी कंटेनर की शेप ऐसी हो जाएगी। तो ठीक रहे तो उसे 5 मिनट्स के लिए कूल होने दो। सो गाइस अब रिक्वायर्ड ग्लू में आप पाउडर, जेल, लिक्विड कोई सा भी फूड कलर डालो, फिर उसे मिक्स करते हैं। ओह वाओ क्या प्रिटी कलर आया है गाइस। आप पोस्टर कलर भी डाल सकते हो, मतलब जो भी कलर है आपके पास आप इसके अंदर डाल दो, बस कलर चाहिए। माय गॉश, अब मेरे पास ये गोल्डन ग्लिटर है और इससे थोड़ा सिमिलर सा ही लगा लो। 1 कैप डाल रही हूँ बस, ज़्यादा नहीं, फिर वो अजीब से हो जाएगा। ये हाँ 2 कैप्स भी डाल सकते हो, वैसे ये इनफ है पर ग्लिटर मोर। तो अभी दिखाती हूँ आपको खुदा रिजल्ट जो कि बना है। ओह माय गॉश गाइस, आई कांट सी क्या ग्लिटर ही आया है ना, कितना अमेजिंग सा ग्लिटर।
तो अब जस्ट ये कूल हो चुके हैं और अब आप इन्हें अपने कंटेनर फिल कर दो। आपके पास ऐसा कोई ग्लू का है तो उसकी कैप हटाओ और इसके अंदर फिल कर दो, जल्द से फिल करते हैं। फिर सो इस मैदे और आटे के ग्लू में बता देती हूँ, मैदे का जो ग्लू होता है वो एकदम वाइट होता है, आटे का ग्लू कुछ ऐसे कलर में होता है, और मैदे का ग्लू मैं आपको दिखाती हूँ वो कुछ ऐसे कलर में होता है, देखो वाइट। अब आपकी मर्जी है आप किस चीज़ से बनाते हैं। ये गाइस ये रहा मेरा प्लेन ग्लू, रियल मेरा ग्लिटर ग्लू। ग्लिटर ग्लू मैं आपको अपनी हैंड पे ही दिखा देती हूँ कि देखिए कप रियली बहुत अमेजिंग, बाहर जैसा ग्लिटर ग्लू है ये। आप कलरफुल ऐसे ही बना सकते हो, बस उसके अंदर ग्लिटर मत डालो। देखो वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय यार।